हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भाई हर कोई प्रेडिक्शंस कर रहा है कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा सेमीफाइनल में कौन सी चार टीमें जाएंगी तो क्यों ना मैं भी प्रोडिक्शंस कर लूं अपनी तरफ से नहीं दो खिलाड़ियों की तरफ से सबसे पहले वेस्ट इंडीज के सुपरस्टार क्रिस गेल ने प्रडिक्शंस की है कि दो के वर्ल्ड कप के चार सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे तो आइए देखते हैं कि क्रिस गेल के ख्याल में इस वर्ल्ड कप के चार सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे क्रिस गेल की नज़र में सबसे पहले जो सेमीफाइनल के लिए फेवरेट्स हैं उनमें से सबसे पहले इंडिया की टीम है क्रिस गेल समझते हैं कि इंडिया की जो वनडे इंटरनेशनल की हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है इसके अलावा इंडिया की होम कंडीशन से फेमिलेरिटी भी उनके लिए एक एडवांटेज है और क्रिस गेल समझते हैं कि इंडिया की टीम इस टूर्नामेंट की एक फॉर्मेडेबल टीम है इसके बाद क्रिस गेल ने पाकिस्तान का नाम लिया है और और क्रिस गेल समझते हैं कि पाकिस्तान भी वनडे इंटरनेशनल्स के 2023 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है वर्ल्ड कप की जो हिस्ट्री है उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और पाकिस्तान के बाद क्रिस गेल ने इंग्लैंड का नाम लिया है और ये सब जानते हैं कि आजकल इंग्लैंड की टीम किस तरह की क्रिकेट खेल रही है चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वन डे इंटरनेशनल हो या फिर चाहे टी ट्वेंटी फॉर्मेट हो सारे फॉर्मेट्स में इंग्लैंड की टीम अटैकिंग क्रिकेट खेलती है और वो इसी अटैकिंग क्रिकेट की वजह से दूसरी टीमों पर प्रेशर डालती है देखना ये होगा कि इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है वो इंडियन कंडीशंस में कैसा खेलती है ये बहुत बड़ा सवाल होगा इंग्लैंड के बाद क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया है ऑस्ट्रेलिया का हम जानते हैं कि वो किस तरह की क्रिकेट खेलती है ऑस्ट्रेलिया वाले जो प्रेशर को हैंडल करना होता है ना ऑस्ट्रेलिया वाले उसमें बहुत अच्छा है और हम देख चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप्स में बहुत अच्छा खेलती है अगर हम देखें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप्स भी ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं ऑस्ट्रेलिया एशियन कंडीशंस में कैसा खेलती है ये भी एक सवाल है लेकिन क्रिस गेल की नज़र में ऑस्ट्रेलिया वो फोर्थ टीम है जो दो की वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लेगी